अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सदस्यता अभियान शिविर का आयोजन शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के समक्ष किया गया। सदस्यता शिविर के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को परिषद के उद्देश्य को बताकर उन्हें परिषद के साथ जोड़ने का काम किया। परिषद के सदस्यों का कहना है कि संगठन को मजबूत और विकसित करने के उद्देश्य से यहां गोरखपुर विश्वविद्यालय के समक्ष सदस्यता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अब तक कई छात्र छात्राओं को सदस्यता दी गई है, लेकिन अभी भी 5000 छात्र छात्राओं को परिषद का सदस्य बनाना उनका लक्ष्य है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए परिषद के संगठन मंत्री सत्यभान सिंह भदौरिया ने कहा, एडमिशन करा देती है, एक की मेंबरशिप चल रही है, और आपके बीच में छात्र नेता छात्र चुनाव नहीं होता है। तब अगर आपके बीच में साल भर दो साल साल भर कैंपस लगातार जाएगा हित के लिए। नहीं नहीं, देखो सील एकता, ये तीन चीज़ों को लेकर विद्यार्थी परिषद काम करती है। और नंबर कितने इंटर में है ये पूछिए। घर का दे दीजिए, पिताजी का दे दीजिए, भाई का चाहिए। नहीं हो पाई काली दे बंद, ठीक है, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम आपको जो बता रहे हैं। सत्यभान सिंह भदौरिया, प्रदेश संगठन मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वर्ष में एक बार जो है एक माह अपना कॉलेज कैंपसों में सदस्यता अभियान चलाती है। इसमें 9th से लगा के और उच्च शिक्षण संस्थान जो भी है, टेक्निकल, मेडिकल, ITI, पॉलिटेक्निक, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, उनमें साथ में सदस्यता के माध्यम से छात्रों को जोड़ना और जो विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य है ज्ञानशील एकता के माध्यम से ठीक करेंगे चार काम, प्रवेश परीक्षा, शुल्क, परिणाम, इसे ध्येय को लेकर विद्यार्थी परिषद कॉलेज कैंपसों में छात्रों के बीच में काम करती है, मेंबर बनाती है, और जहां भी शिक्षण संस्थानों में कॉलेज कैंपसों में समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए विद्यार्थी परिषद समय समय पर आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, रचनात्मक कार्यक्रम, जैसे छात्राभिकृत विकास शिविर है, छात्र सहायता केंद्र है, छात्र करियर काउंसिलिंग है, मेधी प्रतियोगिता है, रंगोली है, गीत है, और भाषण है, निबंध प्रतियोगिता है, और ब्लड डोनेट कार्यक्रम है, वृक्षारोपण है, महापुरुषों की जयंतियाँ हैं, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं। उसी क्रम में विद्यार्थी परिषद अपने मेंबरशिप के माध्यम से छात्र छात्राओं के बीच में जाना और उनसे मिलना, संवाद करना, उनको अपने संगठन से जोड़ना विद्यार्थी परिषद काम। इसी के साथ साथ विद्यार्थी परिषद इस समय केरल में जो देश के अंदर केरल जो अपना प्रदेश है उस राज्य में जो बाढ़ आई है उसके कारण वहाँ के बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं घर से बेघर, अनाज से और कपड़ों से जो है उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, खाने के लिए घर में कुछ अनाज नहीं है, तो इसलिए विद्यार्थी परिषद पूरे देश में सभी शिक्षण संस्थानों के साथ साथ महानगरों में, नगरों में, मार्केट में लोगों के पास जा जाके एक आर्थिक सहायता का कार्यक्रम भी विद्यार्थी परिषद चला रही है। इसमें विद्यार्थी परिषद के सभी छात्र छात्रा शिक्षकों के छात्रों के बीच में जाके मार्केट में दुकानदारों के बीच में, व्यापारियों के बीच में, अधिकारियों के बीच में जाके, और साथ ही ये आह्वान भी करें कि आप अपने माध्यम से भी वहाँ केरल के लिए कुछ सहयोग वहाँ की सरकार को या वहाँ के लोगों को भेजें।